नमस्कार, मैं हूं लियाकत अली। स्वागत करता हूं आपका द नेटिजन न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दुग्ध संघ सभागार में प्रेस वार्ता का जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि के तहत अब 41 रुपए के बजाय 43 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि आंचल की ब्रांडिंग अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है, जिसके तहत माचला, मौलिखाल, मानिला जैसे क्षेत्रों में आंचल दूध एवं अन्य दुग्ध पदार्थ की सेल की जा रही है। इसी क्रम में नैनीताल जनपद के बाहरी क्षेत्रों में आंचल की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग भी की जाएगी। तो वहीं बरेली सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी आंचल ब्रांड का विस्तार किया जाएगा। जिसके अलावा उन्होंने केरल दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वहां से बेहतर सहकारिता के स्तर से उत्तराखंड कहीं ज्यादा बेहतर है और यहां दुग्ध उत्पादकों के खाते में सीधे पैसे दिए जाते हैं, जिसकी सराहना वहां के राज्य के दुग्ध व्यवसायी एवं अन्य अधिकारियों ने भी की है। शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ स्टेट हेड असद खान की रिपोर्ट। विभिन्न जनपदों में नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादों की मांग हो रही है। अल्मोड़ा हो, उधम सिंह नगर हो या बरेली हो, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से भी लोग कह रहे कि आपके उत्पाद हमको कैसे मिलेंगे। उसमें हमने इस बोर्ड की बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें हम नैनीताल जनपद से बाहर यदि कोई आंचल की डीलरशिप लेना चाहेगा तो उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। उसके लिए हम निबंधक स्तर से अनुमति प्राप्त करके हम बाहर भी अपने एजेंट जैसे अमूल और मदर डेयरी के लोग उसमें कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पाद लोगों को उपलब्ध कराएं। और उस क्रम में आज हमने एक छोटी सी शुरुआत करी है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा अपने सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह जी को और उनकी टीम में जो मार्केटिंग देख रहे हैं प्रभारी विपणन संजय भागुनी जी को और उनकी पूरी टीम को। आज मारचूला क्षेत्र में और डोटियाल, मानिला और मौलखेत हमने करीब 150 लीटर दूध आज हमारे वहाँ के लोग ले गए हैं और उसकी शुरुआत आज सुबह 4:30 बजे मार्केटिंग टीम के संजय भागुन जी के नेतृत्व में हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं नैनीताल दुग्ध संघ की लोकप्रियता आगे बढ़ रही है, जिस कारण से कि हमें मारचूला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों के लगातार फोन आए कि आप हमको दूध दो और आज उसकी हमने शुरुआत करी है। और माननीय मंत्री जी का भी कहना है कि भाई अपने उत्पादों की गुणवत्ता ठीक कर करके हम पूरे प्रदेश ही नहीं प्रदेश से बाहर जाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि माननीय सौरभ वोहरा जी के निर्देशों का भी हम 100% पालन करते हैं। आने वाले समय में बरेली, उधम सिंह नगर और अन्य जनपदों में भी हम अपने उत्पाद भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। दूध से संबंधित अन्य उत्पाद भी शामिल होंगे इसमें? हाँ, आज 150 लीटर दूध और उससे जुड़े हुए उत्पाद हमारे गए हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि ये निरंतर वृद्धि के हमको संकेत मिले। हम 400 या 500 लीटर दूध एक आध माह में हम उसको उस मार्ग में हम बढ़ाएंगे।